देश में डेल्टा प्लस के बढ़ते संक्रमण के बीच वाराणसी के बीएचयू में कोरोना के नए वेरिएंट की जांच शुरू हो गई है। कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए अब बीएचयू के माइक्रोबायोलॉजी लैब को हर तरह से टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल को अब पुणे नहीं भेजना पड़ता। कोरोना वायरस का सबसे अत्याधुनिक म्यूटेंट बताया जा रहा है, हालांकि अभी पूर्वांचल में इसका कोई भी केस अभी नहीं दिखाई दिया है, पर वाराणसी में जांच के लिए मशीन पहुंच चुकी है। क्योंकि कोरोना का ये वेरिएंट बेहद खतरनाक है, आसानी से लोगों को संक्रमित करता है, इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन से ये हमारा वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने इसको रखा हुआ है, तो ये कापा का आपने देखा होगा, अल्फा बीटा डेल्टा कापा इस टाइप से बने हुए हैं, तो ये हमारा डेल्टा वेरिएंट है और इसी का एक और प्रारूप है जिसको हमने डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा। और ये सही में अगर हो गया तो इससे ट्रांसमिसिबिलिटी, मतलब हमसे आपसे आपसे उसे दूसरे लोगों को बहुत तेजी से फैलेगा। डेल्टा प्लस वायरस बेहद खतरनाक है और इससे बचाव ही एकमात्र इलाज है। क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट बेहद खतरनाक है और इससे हम तभी बच सकते हैं जब कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन न करें और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने को लेकर प्रदेश सरकार एक्शन में है। प्रदेश में कुल 528 नए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाए जाने हैं, जिसमें 123 प्लांट अब तक शुरू किए जा चुके हैं। 960 लीटर प्रति मिनट का एक प्लांट लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में भी लगाया जा रहा है। जैसलमेर हमारे संवाददाता निखिल शर्मा ने। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में राजधानी लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल को भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया था और यहाँ भी 300 बेड जो है उपलब्ध कराए गए थे मरीजों के लिए और बड़ी संख्या में मरीज यहाँ भर्ती हुए, उनका इलाज हुआ। लेकिन उस दौरान ऑक्सीजन की समस्या लगातार बनी हुई थी क्योंकि सप्लाई ऑक्सीजन सिलेंडर से थी और अब यहाँ ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किया जा रहा है। इस प्लांट के जरिए लगभग 1000 लीटर प्रति मिनट के ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। इसके इंस्टॉलेशन का काम चल रहा, मशीनें आ चुकी हैं, तमाम वर्कर लगे हुए हैं जो इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। 1 से 2 दिनों में ये इंस्टॉल हो जाएगा। राजधानी लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल के साथ ही चिनहट PSC पर कैंट में अस्पताल में और इसके साथ ही BRD हॉस्पिटल में भी इस तरह के प्लांट लगा दिए गए हैं जिनका उत्पादन अब शुरू हो गया है। मकसद ये है सरकार का कि जो तीसरी लहर है उससे पहले कम से कम ऑक्सीजन की तैयारियाँ पूरी कर ली जाएँ और ये इस बात पर ध्यान रखा जा रहा है कि पिछली बार जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी, डिमांड बढ़ गई थी और सप्लाई कम हो गई थी, तो ऐसी स्थिति अगर तीसरा फेज आता है तो उसमें ना हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में एक के बाद एक ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। लखनऊ से वुडनलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।